नमस्कार, R9 टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ये बात कबूली है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जी हां, 72 साल बाद ये बात कबूली आखिरकार पाकिस्तान ने। दरअसल आपको बता दें कि अधिवेशन चल रहा है UNHRC का, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का ये अधिवेशन है, जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा और यहां पर 115 पेजों का जो डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जो डोजियर तैयार किया था पाकिस्तान ने, यहाँ यूनाइटेड नेशन के सामने रखा, ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने रखा। और यहाँ पर फिर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का जो राज्य है जम्मू कश्मीर में, वहाँ लगातार लोगों को कोई आज़ादी नहीं दी जा रही है, वहाँ बाहरी मीडिया का अंदर आना सख्त मना है, कोई सामाजिक संगठन, कोई NGO नहीं जा सकता है। तो खुद अपने ही शब्दों में, अपने ही लफ्जों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ये बात कबूल कर ली है कि भारत का ही हिस्सा है जम्मू कश्मीर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर जो अपनी बात रखना चाहता है, उसमें वो 2 कदम आगे बढ़ता है और 4 कदम वापस लौट आता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का ये बयान सामने आया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर, ये कहकर संबोधित किया पत्रकारों को। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।